अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश शोधे जी का प्रणाम नमन। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि ये वीडियो हम मनाएंगे देवी चरित्र के यानी दुर्गा सप्तशती के पाठ के महात्म्य के बारे में। इस पाठ के क्या क्या लाभ है, क्या क्या रहस्य है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत बड़ी महिमा है। मैं अपने इस मंदमति से, अल्पमति से, मैं अज्ञानी, बिल्कुल अज्ञानी ब्राह्मण व्यक्ति हूँ। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी अक्ल नहीं है। देवी भगवती मुझे, मुझ पर कृपा करें, मुझे क्षमा करें। ये उनकी महिमा मैं अपने छोटे से मुख से बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। कोई मुख ऐसा नहीं है, भगवान शिव के सहस्त्रों मुख भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उनका मैं क्या करूँगा। तो देवी के, दुर्गा सप्तशती के पाठ को जो बाबा आप करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया, उस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये कलयुग है, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपकी तपस्या, आपका आचरण, आपका देवी को प्रसन्न करने की आपकी युक्तियां, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपको कितने लाभ इनमें से मिलते हैं। मैं वो बोलूँगा जो पुस्तकों में, जो ग्रंथों में लिखा है। नित्य जो सप्तशती का पाठ करता है उसको किसी भी प्रकार का पाप छू नहीं सकता, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, उसके शत्रु कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते। ये तीन तो मुख्य लाभ हैं, आप अंडरलाइन करके बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख लीजिए। ऐसे व्यक्ति को किसी से भी भय नहीं हो सकता, शत्रु से, जल से, अग्नि से, किसी जानवर से, पशु से, रण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उसको भूत प्रेत ये सब जो चीज, कोई भय ऐसे व्यक्ति को हो ही नहीं सकता, सफलता उस व्यक्ति से दूर जा ही नहीं सकती। ऐसा पाठ करने वाले के घर में तीनों प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौविक, ये सारे महामारी रोग ये सारे समूल नष्ट हो जाते हैं निश्चित संख्या के बाद। ऐसा कहते हैं मार्कंडेय ऋषि कि जिस घर में दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ बिल्कुल नियम के अनुसार होता हो, उस पाठ को छोड़कर देवी कभी भी दूसरे स्थान पर निवास नहीं करती, यानी उस स्थान को देवी कभी नहीं छोड़ती। उस घर का, उस करने वाले व्यक्ति का प्रभाव आप अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसे व्यक्ति का सदा ही कल्याण होता है, उसके मन में हमेशा शांति निवास करती है, उसके ग्रह, जो नवग्रह जिससे पीड़ा से जो हम जूझते हैं, वो पीड़ा उसको कभी नहीं सताती। कोई भी बुरा सपना हो, कोई भी अपशकुन आपके साथ हो गया हो, तब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो अपशकुन और वो दुस्वप्न का जो फल है वो भी उसी समय तत्काल नष्ट हो जाता है। राक्षस, भूत, पिशाच, प्रेत, ये सब जो बाधाएं हैं इसके पाठ करने से नष्ट हो जाती हैं। पाठ करने से मतलब ऐसा नहीं कि देखो आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपने मेरा वीडियो देखी, एक बार पाठ कर लिया और अब आप सोचे कि सब नष्ट हो जाएगा, नहीं। ये बात मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि हर पाठ को सिद्ध करने का प्रोसेस होता है, उसकी संख्याएं होती हैं, उसमें तब आचरण होता है, उसको आप सिद्ध करें तब जाकर के ये लाभ आपको मिलेंगे। सिद्ध करने के लिए गुरु की आवश्यकता सर्वप्रथम। इस पाठ की इतनी बड़ी महिमा है कि यदि आप ये पाठ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस पाठ को आप सुनते हैं, सिर्फ श्रवण मात्र करते हैं, साल भर अगर आपने इस पाठ का श्रवण भी कर लिया, सुन भी लिया किसी ब्राह्मण के मुख से, ये कोई रिकॉर्ड चला कर, कोई यूट्यूब वगैरह चला करके, तब भी ऐसे व्यक्ति को, दुर्गा स्वयं कहती, माँ स्वयं कहती हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी किसी प्रकार की पूजा अर्चना, पाठ, जप, तप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ निरंतर इस पाठ को श्रवण करने से भी उसको सारी सिद्धियां स्वतः ही मिल जाती हैं, वो देवी उस पर स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं, उसका ये चरित्र का श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से। कहीं भी भय की स्थिति उत्पन्न होती है, दुर्जन वन में, पहाड़ों में, जंगल में, किसी जंगली जानवरों के बीच में, शत्रुओं के बीच में, भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसी स्थानों पर, ऐसे निर्जन स्थानों पर, किसी दुर्घटना वाले ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर भय व्याप्त होता है, ऐसे स्थान पर भी जो दुर्गा सप्तशती का निरंतर पाठ करता है अपने जीवन में, ऐसे स्थान की जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उसको देखकर ही भाग खड़ी होती है। किसी को बंदी बना लिया गया हो, यदि आपको एक छोटी सी नाव में बैठाकर महासमुद्र के बीच में अगर आपको छोड़ दिया गया हो और तब आप इसका पाठ करते हैं, तब आप इसका श्रवण करते हैं, तब आप इसका स्मरण करते हैं देवी के इस चरित्र का, तो आप सकुशल अपने घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। ये इस पाठ की महिमा है। तो इससे ज्यादा, इससे अधिक क्या कहा जाए कि सबसे ऊपर परात्पर शक्ति जो है माँ देवी भगवती दुर्गा, उसका जो ये संपूर्ण सच्चरित्र मैंने आपके सामने निवेदन किया, ये पाठ की महिमा कोई अपने मुख से नहीं गा सकता है। जो भी लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, जिस प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, वो सारी समस्याएं का
एक निचोड़ श्री दुर्गा सप्तशती का षडंग पाठ का अनुष्ठान। अब वो कैसे करना है ये, या तो अगर आप साधक हैं व्यक्ति हैं तो अपने गुरु के साथ जाइए और उसका पाठ करना स्टार्ट कीजिए। फिर इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करता हूँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर देवी का पाठ अगर आपको सूट नहीं करना लिखा है तो प्लीज़ तब उस ऐसी स्थिति में भी इस पाठ को न करें। किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली बताएं और उससे पूछें कि क्या देवी का पाठ मेरे जीवन में मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा। कैसी स्थितियाँ क्या होनी चाहिए जब आपकी कुंडली में देवी का पाठ, देवी की आराधना, देवी की साधना आपको सूट करे, आपका उच्चारण स्पष्ट हो, आपकी मानसिक स्थिति सही हो महिलाओं के संबंध में और पॉजिटिव नेगेटिव सोचने के संबंध में, दूसरा आपके पास सशक्त गुरु हो जो देवी के साधक हों, तब ऐसी स्थिति में आप इस पाठ को, और आपका अपने ऊपर संयम हो, संयम रख सकते हो भोजन का काम का, तब आप दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठानों में आइए। आपका उद्धार, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाएगा। ये सारे नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश शुद्धि आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।